भाई बहनों की नटखट हरकतों को कौन भूल सकता है। इनके हर झगड़े में भी अटूट प्यार होता है और इनके इस प्यारे से रिश्ते को जो हमेशा से बांधे कर रखता है उसे कहते हैं रक्षाबंधन, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके हाथों से बांधी गई राखी अगर राखी भाई के राशि के हिसाब से हो तो भाई के जीवन में जल्द से जल्द सुख शांति समृद्धि आती है। यदि आपके भाई की राशि मेष है तो है उसकी राशि का स्वामी मंगल। जी हाँ, और मंगल के हिसाब से आपको अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। वही वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए इस राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें यदि नीले रंग की राखी पहनाए तो ये उनके लिए शुभ होगा, इससे उन्हें बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध होने के कारण इनके लिए राखी का सबसे खुशनुमा रंग हरा हो सकता है। बहनें यदि अपने भाइयों को सुख समृद्धि और दीर्घायु चाहती हैं तो उन्हें हरे रंग की राखी बांधें। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इनके लिए पीले या फिर सफेद रंग की राखी सबसे अच्छी रहेगी। वही सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो बेहतर होगा जिनके भाई इस राशि के हैं उनकी बहनें अपने भाइयों के लिए पीली, लाल या फिर सुनहरे रंग की राखी खरीदें। सूर्य देवता की कृपा से उनके भाई आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। वैसे तो रक्षाबंधन का कोई ऐसा विशेष बात नहीं है कि किसी राशि के लिए नुकसानदेह होगा, शुभ तो सभी के लिए है और शुभकामना से ही बांधा जाता है। तो रक्षाबंधन के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि किसी राशि के लिए क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन एक निश्चित रूप है कि कुछ राशियों में विशेष रूप से फलदायी रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है मकर राशि में बैठा हुआ है, तो मकर राशि के लिए अच्छा है और कर्क राशि में सूर्य है तो कर्क राशि के लिए भी अच्छा है। सभी लोग अपना थोड़ा सा अगर ध्यान रखें कि उस दिन किसी प्रकार के काले नीले वस्त्रों का परित्याग करें और शुभ्र वस्त्र हों और उनका शुभ्र वस्त्रों का यानी शुभ चिन्ह के साथ बहन व्रत रख करके अगर पूजा करके और भाई को टीका करती है तो निश्चित रूप से इसे लाभ ही होगा, हानि नहीं हो सकती। कन्या राशि वालों के स्वामी भी बुध होते हैं और इस राशि के भाइयों को भी अपनी बहनों से हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन के बीच का प्रेम बना रहेगा और ग्रह दोष भी दूर रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए सफेद या फिर नीले रंग की राखी सर्वश्रेष्ठ होगी, क्योंकि इस राशि के स्वामी शुक्र है। लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों को रक्षाबंधन पर अपनी बहन को लाल या गुलाबी रंग की राखी बंधवाने के लिए कहना चाहिए। इस राशि का स्वामी मंगल होने के कारण उनके लिए ये रंग सर्वश्रेष्ठ होगा। रंगों के अलावा बहुत सी चीजों का ध्यान आपको राखी के त्योहार पर रखना चाहिए। किस प्रकार राखी बांधी जाए, कोई भी राखी डायरेक्ट भाई के हाथ में उठा करके ना बांधे। पहले उस राखी को भगवान को अर्पण करें, भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद जाकर के उसको भाई की कलाई पर बांधें। राखी बांधते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, थाली के अंदर सिर्फ राखी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ मीठा जरूर उस थाली के अंदर होना चाहिए, केसर का तिलक होना चाहिए, चावल युक्त होना चाहिए। क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले भाई को पूर्व की तरफ आपका मुख हो और पश्चिम की तरफ भाई का मुख हो। ध्यान रखिएगा, इस रक्षाबंधन पर एक विशेष संयोग बन रहा है, श्रावण नामक नक्षत्र होगा इस रक्षाबंधन पर, सौभाग्य नामक योग होगा और वालो नामक कर्ण होगा। इस परिस्थिति के अंतर्गत ये बहुत वर्षों बाद ऐसी परिस्थितियां हुई है जब ऐसा शुभ संयोग रक्षाबंधन के समय पर पड़ा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जो तिलक है वो इस उंगली, सभी बहनें विशेष रूप से ध्यान देंगी, इस उंगली से भाई को तिलक लगाना होगा, उसके बाद अंगूठे से इस प्रकार ऐसे ऊपर करना होगा और चावल का जो दाना है वो उठा करके मस्तक पर लगाना होगा, उसके बाद आपने जो है भाई की कलाई में राखी बांधनी होती है। वही धनु राशि का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है, इनका शुभ रंग पीला या फिर चंदन के समान होगा। बहनों को चाहिए कि वो रक्षाबंधन की तैयारियों में अपने भाई के लिए इसी रंग की राखियां खरीदें। मकर राशि के स्वामी स्वयं न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव हैं। बहने मकर राशि वाले अपने भाइयों को गहरे नीले रंग की राखी पहनाएं। मकर की तरह कुंभ के राशि स्वामी शनि माने जाते हैं, इसलिए इन राशि वालों को रक्षाबंधन पर गहरे हरे रंग की या फिर रुद्राक्ष से बनी माला पहननी चाहिए। मीन राशि वालों के स्वामी बृहस्पति देवता हैं, तो इनके लिए हर मामले में सुनहरा पीला रंग शुभ होगा।
भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में यूं तो रंगों का महत्व नहीं है, प्रेम में बस एक धागा भी बांध दिया जाए तो वो रिश्ते को अटूट करने के लिए काफी होता है। इसीलिए रंगों और महंगी राखी के बजाय इस त्योहार में विश्वास और प्यार को महत्व देना चाहिए।